हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल अनेंडिंग एजुकेशन पे। सो हमेशा की तरह पहले तो आप लोग मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप लोगों का हालचाल कैसा है। उम्मीद करूँगा कि सब ठीक होंगे, मस्ती में होंगे और सब खुश होंगे। तो पहले तो मुझे आप लोग को सॉरी बोलना है, क्योंकि कुछ रीजंस के कारण बहुत दिनों से मैंने हमारे इस चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे समझोगे। सो बहुत इधर उधर की बातें कर ली हम लोगों ने, और अब डायरेक्ट चैप्टर के मुद्दे पे आते हैं। तो टाइटल, थंबनेल और डिस्क्रिप्शन को देखकर आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग क्लास 11th के हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 5 द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल पढ़ेंगे, रिटन बाय नानी पालकीवाला। तो आज का जो ये चैप्टर है, ये पूरा का पूरा हमारे अपने प्लैनेट अर्थ के बारे में है। ऑथर नानी पालकीवाला ने इस चैप्टर में हमें ये बताया है कि ह्यूमंस दिन ब दिन अर्थ को कितना खराब करते जा रहे हैं और ह्यूमंस के कारण अर्थ पे कितनी इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। तो हम पूरे के पूरे चैप्टर में हमारे अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ह्यूमंस के कारण इस अर्थ पे कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं, वो भी बैड इफेक्ट्स। और इस चैप्टर में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या क्या स्टेप्स लिया हमारे इस अर्थ को बचाने के लिए, कौन कौन से मूवमेंट्स हुए इस अर्थ को बचाने के लिए। तो शॉर्ट में आप लोग बस ये समझ लो कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग अर्थ रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ेंगे। सो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मुझे आप लोगों से एक बात कहनी है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना, ताकि अगर आप लोगों को इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन फेस करना पड़ा तब आसानी से आप लोग आंसर कर सको। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा ये छोटा सा रिक्वेस्ट जरूर मानोगे। तो चलिए फटाक से शुरू करते हैं आज का ये एक्सप्लेनेशन। नहीं तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ऑथर हमें एक ग्रीन मूवमेंट के बारे में बताते हैं। तो अब आप लोग ये सोचोगे कि ये ग्रीन मूवमेंट आखिर है क्या, इसका मतलब क्या होता है। तो सबर करो, बताता हूँ। ग्रीन मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जो न्यूजीलैंड में लॉन्च हुआ, और ये पहला एफर्ट था हमारे अर्थ के एनवायरमेंट को बचाने के लिए। और इससे पहले इतनी बड़ी मूवमेंट कभी भी लॉन्च नहीं हुई थी जिसमें इंटायर ह्यूमन रेस इन्वॉल्व थे। 1972 में वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी को ढूंढा गया न्यूजीलैंड में, और उसके बाद से इस मूवमेंट ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और उसके बाद से ये मूवमेंट ग्रो करता जा रहा है। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि हमने अपने व्यूज को मैकेनिस्टिक व्यू से होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू में शिफ्ट कर लिया है। इसका मतलब ये है कि पहले जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था तब प्रोड्यूसर्स ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके अपने प्रोडक्शन को हाई करते थे और इन्वायरमेंट को हार्म करते थे, पर अब हम होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू में शिफ्ट हो रहे हैं जिसमें हम फर्स्ट प्रायोरिटी अपने एनवायरनमेंट को देते हैं। और ऑथर ये बताते हैं कि ये शिफ्ट ह्यूमन परसेप्शन में इतना रिवॉल्यूशनरी था, जैसा कि जब कॉपरनिकस ने 16 सेंचुरी में ये बताया कि अर्थ और सारे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इस मूवमेंट के कारण पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री में अर्थ के लिए एक ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस ग्रो कर रही है कि अर्थ भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और हम इस ऑर्गेनिज्म का एक छोटा सा पार्ट है, और इस ऑर्गेनिज्म का भी कुछ नीड्स है और कुछ वाइटल प्रोसेसेस है जिसे हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और इसको हमेशा प्रिजर्व करना चाहिए।
इसके बाद ऑथर हमें ये बताते हैं कि जो भी साइंस हमें अर्थ देती है, जैसे कभी अर्थक्वेक आना, कभी ड्राउट आना, तो कभी फ्लड आना, ये सब चीजों से हमें ये पता चलता है कि अर्थ की कंडीशन एक पेशेंट की तरह है और इसकी हेल्थ हम ह्यूमंस के चलते लगातार डाउन होती जा रही है। इसी के चलते हमें अपने एथिकल ऑब्लिगेशन के बारे में रियलाइजेशन होने लगी है, मतलब जो सही चीजें हैं हमें वो फॉलो करनी चाहिए कि हमें इस प्लैनेट को अच्छे से ऑर्गेनाइज मैनर में चलाना चाहिए और हम ही रिस्पॉन्सिबल है अपने फ्यूचर जनरेशन को इस प्लैनेट को अच्छे से हैंड ओवर करने के लिए। इसके बाद ऑथर हमें ये बताते हैं कि वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट था और ये कॉन्सेप्ट 1987 में बहुत पॉपुलर हुआ। अब नीचे के कुछ लाइनों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन दिया हुआ है जिसे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करने वाला क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आप लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ लिया है तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि एक जू है लुसाका जाम्बिया में, जहाँ पे एक केज है और वहाँ पे एक नोटिस लिखा होता है और वो नोटिस था द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। तो अब आप लोग जल्दी से वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट में बताओ कि आपके हिसाब से उस केज में वो मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन होगा, लेकिन वीडियो को आगे देखने से पहले ही कमेंट कर देना, बी ऑनेस्ट ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने कमेंट कर दिया होगा। तो चलिए इसका आंसर मैं दे देता हूँ। उस केज के अंदर एक मिरर रखा हुआ था और उस केज में कोई भी एनिमल नहीं था और उस मिरर में हमें अपनी ही इमेज दिखती है। ऑथर कहते हैं कि ऐसी बहुत सारी एजेंसीज है डिफरेंट कंट्रीज में जो ये अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रही है कि जो मोस्ट डेंजरस एनिमल है जो इस अर्थ के लिए डेंजरस है वो हम ह्यूमंस ही है और हमें अर्थ की रिसोर्सेस को डोमिनेट नहीं करना चाहिए। इसके बाद साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि ह्यूमंस के अलावा टोटल 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज इस अर्थ में एग्जिस्ट करती है और बहुत सारी एस्टिमेट्स हमें ये बताते हैं कि ऐसे बहुत सारे ऐसे भी स्पीसीज है जो कि अनटच्ड है जिसके बारे में ह्यूमंस को पता नहीं है। बायोलॉजिस्ट का ये मानना है कि कुछ 3 से 100 मिलियन स्पीसीज ऐसी हैं जो काफ़ी मिजरेबल कंडीशन में रह रही है और उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि कुछ इंटरनेशनल कमीशंस पे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया था प्रैक्ट कमीशन के द्वारा और उस कमीशन में एक इंडियन मेंबर भी था जिनका नाम मिस्टर एलके झा था। उस फर्स्ट ब्रैट रिपोर्ट में एक क्वेश्चन रेज किया गया था और वो क्वेश्चन ये था कि क्या हम अपने फ्यूचर जनरेशन को हम एक ड्राइड प्लैनेट देने वाले हैं जिसमें केवल डेजर्ट होंगे और काफ़ी बुरी कंडीशन होगी। इसके बाद मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने अपने बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में ये पॉइंट आउट किया था कि अर्थ की 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम है फिशरीज फॉरेस्ट ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड। ये बायोलॉजिकल सिस्टम हमें केवल फूड ही प्रोवाइड नहीं करती पर वर्चुअली ये सारे रॉ मटेरियल हमें इंडस्ट्रीज को एक्सेप्ट मिनरल एंड पेट्रोलियम को छोड़कर सारे रॉ मटेरियल हमें यहीं से मिलती है लेकिन इनके लार्ज एरियाज को ह्यूमंस ने इतना ज़्यादा यूज कर लिया है और ये एक अनस्टेबल लेवल पे पहुंच गई है और उनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है और जब ऐसा होता है तो फिशरीज कोलैप्स हो जाती है फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाते हैं
ग्रासलैंड कन्वर्ट हो जाते हैं बैरन लैंड में और क्रॉपलैंड डिटेरियरेट हो जाती है। पुअर कंट्रीज में लोकल फॉरेस्ट को हाई रेट में खरीद लिया जाता है ताकि फायरवुड अवेलेबल हो सके कुकिंग के लिए। कुछ प्लेसेस में तो फायरवुड इतनी महंगी है जो कि खरीद पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जिन्हें डॉक्टर मेयर्स द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं, इसके डिप्लिक्शन के बाद काफ़ी सारे स्पीसीज को एक्सटिंक्शन फेस करना पड़ा। इसके बाद ऑथर कहते हैं कि इट हैज बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रेसीड्स मैनकाइंड, डेजर्ट्स फॉलोज। तो इसमें इसका ये मतलब होता है कि फॉरेस्ट हमेशा मैनकाइंड से पहले आता है और हमेशा उन्हें हमेशा सेव करना चाहिए। और ऑथर ये भी कहते हैं कि जो हमारे वर्ल्ड के जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है जो हमें एंशियंट टाइम से मिले हैं वो इतना ज़्यादा इरोड कर रहे हैं जो है 40 से 50 मिलियन एकर्स अ ईयर। और साथ ही में जो काउ डंग का यूज़ होता है बर्निंग पर्पसेस के लिए, उसके कारण सॉइल की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है। डंक एक नेचुरल सॉइल फर्टिलाइजर की तरह काम करती है, लेकिन जब उसको बर्न कर दिया जाता है तो पॉल्यूशन के साथ साथ सॉइल की फर्टिलिटी पे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ती है। इसके बाद वर्ल्ड बैंक की एस्टिमेट्स बताती है कि ईयर 2000 की फ्यूल वुड की डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें अपनी फॉरेस्ट प्लांटिंग रेट को 5 times बढ़ानी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट के लिए बस आप लोगों को 3 काम करना है, वो है लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।